2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर राहुल गांधी है। सबसे पहले किशनगढ़ पहुंचेंगे, लोक देवता के दर्शन करने के बाद रूपनगढ़ में किसान सभा को संबोधित करेंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रूपनगढ़, जहां पर हमारे संवाददाता दिनेश कसाना मौजूद हैं। कार्यक्रम स्थल पर कैसी तैयारियां हैं, आपको सीधी तस्वीरें रूपनगढ़ से दिखाएंगे। दिनेश, किस प्रकार की तैयारियां रूपनगढ़ में की जा रही है, राहुल गांधी के दौरे को लेकर किस प्रकार का माहौल आप यहां पर देख पा रहे हैं? रूपनगढ़ में सभा होगी राहुल गांधी की। रूपनगढ़ में फिलहाल हम मौजूद हैं और आज राहुल गांधी के दौरे का दूसरा दिन है। एक बार रैली का मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। कुछ देर बाद एयरपोर्ट पर राहुल गांधी पहुंचेंगे, रूपनगढ़ में उनकी सभा होगी। रूपनगढ़ में सभा और ट्रैक्टर रैली का एक बार मैं नजारा दिखाना चाहूंगा। आपको कैमरामैन विजय गिरी से कहें कि वो एक बार आपको दिखाएं कि किस तरह से ट्रैक्टर रैली का ये नजारा है। और राहुल गांधी यहाँ पर करीब 2 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और ये किसान सभा है, किसान सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी जिस एजेंडे के साथ राजस्थान में आए हैं, तो इस तरह से किसानों के जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, उन कानूनों में क्या खामियां हैं और किस तरह से किसान को कमजोर करने वाले कानून हैं। कल अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने गंगानगर हनुमानगढ़ से की और आज अजमेर और नागौर में उनका दौरा है। रूपनगढ़ में वो किसान सभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले सुरसुरा में तेजाजी महाराज का जो मंदिर है वहां पर दर्शन करेंगे। तेजाजी के दर्शन के बाद यहाँ पर रूपनगढ़ में उनकी सभा होगी और ये नजारा आप रूपनगढ़ की सभा का एक बार यहाँ पर देख पा रहे हैं। किस तरह से सैकड़ों हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो किसान लेकर पहुंचे हैं और राहुल गांधी किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं कि किस तरह से किसानों की आवाज को बुलंद किया जा सकता है। किसान उनके साथ, कांग्रेस पार्टी लगातार खड़ी है, किसान देश भर में आंदोलित है और जो मांग है किसानों की कि MSP का जो कानून है वो बनाया जाए और किस तरह से आज केंद्र सरकार किसानों को कमजोर करने पर तुली हुई है। हमारे साथ जो पूरी व्यवस्था संभाले हुए हैं रूपनगढ़ में कांग्रेस पार्टी की ओर से रामलाल जाट, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं। रामलाल जी, क्या संदेश आज इस रैली के माध्यम से राहुल गांधी देंगे? देखो, ऐसा है कि आज जिस तरह अंग्रेजों के राज में भी किसानों की हालत बदतर थी और उससे भी ज्यादा बदतर आज नरेंद्र मोदी जी के राज में हो चुकी है, इसलिए आज लोकसभा में भी राहुल गांधी जी की बात को नहीं सुना जा रहा। राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत जी ने जो बिल पारित किए हैं उनको नहीं सुना जा रहा है, इसलिए आज गांव-गांव में किसान रैली की जा रही है। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ, चाहे भट्टा पारसोली का इश्यू हो, भूमि अधिग्रहण बिल हो, हमेशा कांग्रेस राहुल गांधी जी खड़े रहे हैं। आज उसी के संदर्भ में यहाँ रूपनगढ़ में आ रहे हैं। जो आज रूपनगढ़ में आप देखो कि गांव-गांव से ट्रैक्टर में हजारों की संख्या में आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, ढोल नगाड़ों सहित आ रहे हैं कि हमारी कोई भला आदमी हमारी सुनने के लिए आ रहा है। आज ये इस समय आप देखो लाल किले को बेच दिया गया। आज आने वाले समय में जे जवान जे किसान बचा, किसान को बेच दिया, अब जवान बचा उसको भी ये ऐसी प्राइवेट कंपनी में बेच देंगे। तो इसलिए अगर विपक्ष की भूमिका भी निभाने, एक दर्द है किसान का राहुल गांधी जी के और कांग्रेस के मन में, उस संदर्भ में आज हिंदुस्तान में वो घूम रहे हैं, इसी संदर्भ में आज राजस्थान में रूपनगढ़ में आ रहे हैं। पहले संसद में विरोध किया इन कानूनों का और उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क पे इनका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी हर स्टेट में जा रहे हैं, पहले पंजाब में गए, हरियाणा में गए, वहां पर ट्रैक्टर निकाली और अब राजस्थान में। आपको लगता है कि राजस्थान से भी अब एक बड़ा आंदोलन इन कानूनों के खिलाफ शुरू होगा राहुल गांधी के दौरे के बाद? देखो, जब जब क्रांति हुई, बिजोलिया आंदोलन किसानों का बहुत बड़ा विजय सिंह पथक जी ने शुरुआत की, जिनको महात्मा गांधी जी ने सराहा, पूरी कांग्रेस ने सराहा। तो जब जब भी किसानों की बात को राजस्थान ने जब हाथ में लिया तो निश्चित रूप से पंजाब हरियाणा के साथ साथ एक संबल किसानों को देने के लिए राजस्थान का किसान भी आज कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और भी कई संगठन है, पर जब लोकसभा में नहीं सुना जा रहा है तभी तो राहुल गांधी जी आज गांव-गांव में जा रहे हैं। किसानों के कई संगठन और इसके साथ जुड़े हुए हैं, आज उसी के संदर्भ में ये चीजें हो रही है। राज्य हर राजस्थान के गांव-गांव में ये किसानों में जागृति पैदा हो रही, ऑटोमेटिक बढ़ किसान असंगठित है, संगठित नहीं है, कांग्रेस पार्टी संगठित है, इसलिए कांग्रेस ने हमेशा संगठन किसान का हाथ मजबूत किया है। इसी के तहत आज राहुल जी इस काम को हाथ में लेकर
किसानों को संबल प्रदान कर रहे हैं ताकि किसानों को एक संगठित पार्टी मिल रही है, संगठित आदमी मिल रहा है जो संघर्ष कर रहा है। लगातार आप देख रहे हो, आज से नहीं, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, राहुल गांधी जी लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं, किसानों के लिए बिल भी लेकर आए हैं। तो निश्चित रूप से इन तीनों बिलों को वापस नहीं लेंगे जब तक राहुल गांधी जी चैन की सांस लेने वाले नहीं है। उनके साथ इतने हजारों की लाखों की संख्या में आज किसान उमड़ रहे हैं, तो किसान का साथ ही कांग्रेस, कांग्रेस का साथ ही किसान। केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो बार बार कह रहे हैं कि जो संशोधन, जो जरूरी संशोधन है वो कर दिए जाएंगे। एमएसपी की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं, क्या होना चाहिए, इन कानूनों को वापस लिया जाए या फिर इनमें संशोधन की गुंजाइश मानते हैं? देखो, किसान पहले गोरों से दुखी था, अब चोरों से दुखी है। जब आजादी से पहले गोरे लोग थे उनसे किसान दुखी था, आंदोलन में किसानों ने भूमिका निभाई। आज इन चोरों से किसान दुखी होकर कांग्रेस पार्टी जो भूमिका निभा रही उनके साथ है। भारत सरकार के मंत्री जी जो बिल के लिए कह रहे हैं, तो क्यों नहीं वो उन जो राहुल जी ने पार्लियामेंट में कहा हम दो, हमारे दो का बात कर रही है, आप बिल को कैंसिल करें फिर इनसे बात करें। किसने ये चीज मांगी है? किसान हमेशा जो चीज मांग रहा है वो तो मिल नहीं रही है। स्वामी रंगनाथन की जो रिपोर्ट है उसकी मांग कर रहा है, समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है, आज वो चीजें तो दी नहीं जा रही है, दूसरी चीजें थोपी जा रही है। इसलिए उनका कहना कहीं किसान के हित में नहीं है, वो बिल निरस्त योग्य है, तीनों बिल को सस्पेंड नहीं, निरस्त करने चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दे रही है, मैं तो कह रहा हूँ आज सुप्रीम कोर्ट न्यायालय अगर सही चीज को किसानों की नहीं सुनी तो इस देश में अंग्रेजों की तरह बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रामलाल जी, पूरी व्यवस्थाएं आप यहां पर संभाले हुए हैं, किस तरह से राहुल गांधी का आज का रूपनगढ़ में कार्यक्रम रहेगा? हजारों सैकड़ों की संख्या में ये ट्रैक्टर किसान लेकर पहुंचे हैं, ट्रैक्टर रैली के जरिए मकराना जाया जाएगा, क्या संदेश होगा? देखो, मैं ही नहीं, यहाँ तमाम कांग्रेस और कांग्रेस के अलावा दूसरे संगठन सब राहुल गांधी जी के इस किसान की मुहिम में जुड़े हुए हैं, वो सब लोग लगे हुए हैं। अरे, मैं केवल यहाँ पे इन लोगों के साथ में देख रहा हूँ, मेरी इच्छा है। मैंने जब राहुल गांधी जी ने लैंड बिल पे जो धरना दिया तो मैं 46 दिन तक भूमि अधिग्रहण बिल पे कलेक्ट्री के बाहर धरना देकर बैठा था। मेरे मन में चीज, मैं तो स्वयं चल के आ रहा हूँ कि ये आम लोग इसमें जागे और राहुल गांधी जी का साथ दें ताकि किसानों का हित सही हो, बेरोजगारी मिटे, किसान के लड़के खुशहाल रहें, किसानों की औरतें खुशहाली में जीवन यापन करें। ये तमाम चीजें, देखो ऊपर भगवान है, नीचे सरकार है। जब भगवान नाराज होता है तो बारिश नहीं होती, तो सरकार की तरफ देखा जाता है। आज किसान के साथ जब जब ऐसी स्थितियां आई तो सरकार भी रूठ रही है, तो विपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी जी ने जिस तरह का आंदोलन चलाया, तो मन से हम सब लोग आज इनके साथ में लगे हुए हैं और यहाँ बहुत अच्छी तैयारियां हो रही है। मतलब लोगों में उमंग है, अब ताज्जुब करोगे, मेरे को 3 दिन हो गए यहाँ पे, लोग आगे होकर फोन कर रहे हैं और स्वयं चल के आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। बिल्कुल हमें डायरेक्शन हम सब लोगों ने मिलकर किया कि भाई एक झंडे बैनर कुछ नहीं लगे, ऑर्डिनरी राहुल जी कह रहे हैं ऑर्डिनरी लोगों से मिलूंगा, लेकिन फिर भी लोग ट्रैक्टर पे झंडे लगा के आ रहे हैं बिना कुछ कहे, तो लोगों में उमंग है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बिल्कुल, आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। रामलाल जाट है, किसान नेता के तौर पर भी इनकी एक बड़ी पहचान है, और एक बार रूपनगढ़ की रैली का मैं नजारा दिखाना चाहूंगा। राहुल गांधी के लिए जो मंच लगाया गया है, वो ट्रैक्टर की जो ट्रोलियां हैं उनको ओपन कर ये मंच बनाया गया है। ये मंच का नजारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी, और इसके बिल्कुल जो गोलाकार आकृति है इसमें चारों तरफ ट्रैक्टर लगाए गए हैं, उनके आसपास किसान रहेंगे, किसानों को वो चारों तरफ संबोधित करेंगे। इस मंच में कल गंगानगर हनुमानगढ़ का जो नजारा था, गंगानगर पहले हनुमानगढ़ में एक हाट लगाई गई, चारपाई पर जो मैसेज दिया गया कि किसान की चारपाई जो है उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उस पर बैठकर राहुल गांधी ने किसानों को संबोधित किया। और उसके बाद गंगानगर में भी सोखों के बजाय राहुल गांधी जो लकड़ी से बने हुए मुड्डे थे उन पर बैठकर उन्होंने एक मैसेज दिया। और आज राहुल गांधी रूपनगढ़ में ये ट्रैक्टर ट्रोली पर बैठकर किसान सभा को संबोधित करेंगे, तो ये रूपनगढ़ की रैली का नजारा है, ढोल नगाड़ों के साथ लोग स्वागत के लिए। जी बिल्कुल दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। किशनगढ़ के रूपनगढ़ में ये सभा होगी, किसान सभा होगी, जिसकी तैयारियों की सीधी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। आपको बता दें कि 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर राहुल गांधी हैं, और सबसे पहले श्री गंगानगर से किशनगढ़ पहुंचेंगे राहुल गांधी। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की जाएगी, इसके बाद
सुरसुरा जाने का कार्यक्रम है।